हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पौधे में कीड़े किस तरह से लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि इस पौधे में कीड़े किस तरह से लगे हुए हैं और ये पौधे के देखिए इनकी पत्तियां कितनी अच्छे अच्छे थे से वो देखिए किस तरह से ये पौधे का पत्ते हैं वो जो कीड़े खा गए हैं और इस तरह से देखिए यहाँ कीड़े लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यदि इस कीड़े को आप के पौधे में लगे हैं तो आप किस तरह से निकाल सकोगे तो मैं आपको अपनी वीडियो पर बताऊंगी। वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूं कि हर पौधे के बारे में मैं नीली पग किस तरह से आपको दूर करना है और किस तरह से ये हटाना है। तो आप मिनटों में आप इस पौधे से कीड़े को इस तरह से हटा सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये पौधे में यदि कीड़े लग जाते हैं तो ये सारे पौधे को खा जाते हैं। जैसे आप देख सक रहे हो कि मेरे पौधे में किस तरह से ये सारी की सारी पत्तियां खाकर ख़त्म कर चुकी है, इस तरह से सारी पत्तियों को एकदम नष्ट कर दी है। इस तरह ये पत्तियां देखिए ये बिल्कुल भी बढ़ने में कामयाब नहीं होती है और ये जो कीड़े हैं वो बहुत ही वाइट वाइट और ये सातिर कीड़े हैं जो अपने से एक दूसरे स्थान पर शेयर करते हैं। और इस तरह से ये जो आपके देख रहे हैं नाजुक कोमल जहाँ पत्तियाँ आती है, इस तरह से इस पत्तियों को भी ये खाने में कामयाब हो रही है और ये पौधे को और पत्तियों को बढ़ने में से रोक रही है। तो मैं इसको आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से ये देखिए ये हमारी शैम्पू है, इस शैम्पू की मदद से आप किस तरह से ये पौधे को आप इस पौधे को बचा सकते हो दोस्तों, जो हम लोग बाल धोने की यूज में काम लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे कामयाब है इस पौधे के लिए। तो मैंने आप यदि आपके मार्केट में मिलते हैं तो ये आप 1 रुपया का शैम्पू से ये इस पौधे को बचा सकते हो। दोस्तों देखिए, ये मैंने शैम्पू आपको दिखाया है कि इस शैम्पू की मदद से आप किस तरह से इस पौधे को बचा सकते हो। तो ये देखिए, यदि आपके पास किसी तरह का बोतल खाली है तो ये देखिए हमारे 1/2 लीटर का बोतल है, इसमें कॉलिन था पर इसको मैंने ख़त्म कर चुकी है और इसमें देखिए ये मैं पानी भर ली है और इस पानी में आपको किस तरह से शैम्पू डालना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारी शैम्पू है। आप इस पानी में 1/2 लीटर में आधा ही शैम्पू डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि यदि ज़्यादा डालते हो दोस्तों तो ये पौधे को और भी ख़राब कर सकती है। आप लिमिट के अनुसार डाल सकते हो और ये पौधे में देखिए ये इस तरह आप ये हमारे देखिए एंटीसेप्टिक ये हमारे पास हल्दी पाउडर है, इस पाउडर की मदद से भी आपके कीड़े भागेंगे। तो आपको चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालें, चुटकी भर डालें दोस्तों। इस तरह से मैंने देखिए ये पानी में घोल लगा दी है और इसको बंद कर कर मैं हिला लूँ कि मैंने इस तरह से बंद कर हिला ली है, इसमें शैम्पू डाली थी। इसे देखिए आप बिल्कुल देख सकते हो कि किस तरह से मिल चुकी हैं और ये हमारे जो कीड़े हैं सारी पत्तियों को खाकर ये ख़त्म कर चुकी है। तो ये देखिए यहाँ अधिक मात्रा में लगे हुए हैं इस कीड़े को, तो मैं आपको दूर कर कर दी ये किस तरह से मैंने नीली पग को एकदम दूर कर रही हूँ और ये अधिक मात्रा में ये भाग रही है, इसको एकदम निकलने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही है। और ये इस तरह से मैं आपको स्प्रे कर दिखा रही हूँ कि ये और आप ये पत्ते जो पके हुए हैं इसको आप टहनी से अलग कर सकते हो, क्योंकि ये मैं देखिए सारे कीड़े को साफ कर कर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे कीड़े को यहाँ से समाप्त कर दिया है, ये सारे यहाँ कीड़े लगे थे सारे को सारे मैंने इसको गिरा दिया है और ये देखिए किस तरह से ये पौधे में नीचे गिर चुकी है। ये दोबारा नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ये यदि चढ़ जाती है तो ये इसको चींटियाँ घींच कर किसी अन्य पौधे पर ये घोंसला बना सकती है और वहाँ पर भी ये रह सकती है। इससे हम ज़मीन में भी मार दे रही हूँ क्योंकि ये मार देने से क्या होता है कि आप इसमें शैम्पू की मदद से यदि मारते हो तो इसकी जो ये जो कीड़े का जो चमड़ी होती है वो बहुत ही पतली होती है और ये शैम्पू की मदद से डालने से क्या होता है कि ये फट जाती है और फटने के बाद ये कीड़े मर जाते हैं। और मैं इस पर देखिए ये हमारे मैंने आपको दिखाया था एंटीसेप्टिक क्रीम इस तरह से मैं पौधे में लगा दे रही हूँ और ये बहुत ही फायदे का चीज़ है। तो इस तरह से आप भी लगाओ और इस पौधे को मरने से बचाओ दोस्तों, क्योंकि यदि पौधा तो इस तरह से मैं आप दिखा रही थी अपने वीडियो में कि और अपने पत्तियों को भी देख सकती हूँ कि ये कीड़े ने क्या हाल बना रखा है इस पौधे को। तो आप इस तरह से मेरी वीडियो पर हो तो आप
मेरी वीडियो को पूरा देखकर जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों बाय बाय।